नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। खबर प्रयागराज से। लोकसभा चुनाव के पूर्व गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी यमुना पार के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष विनोद प्रजापति के निर्देशानुसार ऐतिहासिक जीत का समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रवास के दौरान भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने नारीबारी मंडल के कोहड़िया पूर्वी के दोनों बूथों में 24 घंटे का प्रवास कर संपर्क संवाद चौपाल और चाय पर चर्चा करते हुए सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी गांव का संपूर्ण विकास करना है। एक बार फिर मोदी सरकार बनाने हेतु जनता जनार्दन से आशीर्वाद और समर्थन मांग। पन्ना प्रमुखों, बूथ समितियों संग हारे हुए बूथों पर जीत और जीते हुए बूथों पर पिछले बार जीत के मतों को दोगुना करने पर विचार विमर्श कर योजनाएं बनाई। प्रवास के दौरान विधानसभा 12 संयोजक व बूथ अध्यक्ष रत्नाकर सिंह पटेल, बूथ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रधान संतोष सिंह, पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धर्मराज पाल, पिछला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुधाकर सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, भीम सिंह, बबलू सिंह, वीर प्रताप सिंह, शुभम सिंह, उदय प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता ग्रामीणों संघ प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता दिलीप कुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी यमुना पार्क के नारीबारी मंडल के कोहड़िया में दो दिनों के प्रवास के दौरान हम लोगों ने गांव-गांव संपर्क कर संवाद स्थापित करते हुए केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, पत्रक बांटा एवं उन सभी से आग्रह किया कि एक बार फिर मोदी सरकार बनाने में अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। जिस प्रकार से ग्रामीण जनता में मोदी सरकार, योगी सरकार, भाजपा सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है, निश्चित रूप से इस बार फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और वो भी ऐतिहासिक मतों के साथ। जो हम लोगों का नारा है अब की बार 400 पार, वह पुनः सिद्ध होगा। गांव की जनता पूरी तरह से योगी मोदी के कार्यों से प्रशंसा करती है और उनके दिए आवास, शौचालय, राशन और सिलेंडर, इन तमाम तरह की जो किसान सम्मान निधि है, इन प्रकार से सभी जो है उनका आभार व्यक्त करती है और चारों तरफ पूरी तरह से जनता योगी मोदी की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। इसलिए अब इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि 400 के नीचे भाजपा की सीटें आएगी। अगर प्रयागराज में यह हाल है तो इसी प्रकार से पूरे देश में होगा। दिलीप कुमार चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज, यमुना पार, जिला मीडिया प्रभारी।